processes of RDNA टेक्नोलॉजी, तो क्या प्रोसेसेस है? ठीक है, ऑल्दो हमने एक एक करके सब कुछ डिस्कस कर लिया है, बट फिर भी हम एक बार इकट्ठे सबको डिस्कस करें। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है आइसोलेशन ऑफ प्योर डिजायर्ड डीएनए फ्रॉम डोनर सेल। पहले उसको आइसोलेट कर लेंगे, फिर कटिंग ऑफ डोनर डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस। देन थर्ड है सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड फ्रेगमेंट, जो हमने डिजायर्ड फ्रेगमेंट टू बी क्लोन, जिस जीन की हमने क्लोनिंग करनी है। उसके बाद है लाइगेशन। लाइगेशन का मतलब होता है जॉइनिंग। लाइगेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट इसके साथ लाइगेट करना है विद वेक्टर डीएनए। ठीक है जी, दस फॉर्मिंग आरडीएनए, और इसको हम और क्या बोल देते हैं, प्राइमेरिक डीएनए। देन ट्रांसफरिंग द RDNA into competent host cells. Host cells जो है they can be bacterial cells or plant cells or एनिमल सेल्स, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद कल्चरिंग ऑफ ट्रांसफॉर्म जिनमें फॉरेन डीएनए आ चुका है, ट्रांसफॉर्म host cells into the culture medium in an artificial culture medium on large scale, बहुत बड़े बड़े apparatus में हम culture करते हैं। ठीक है, और फिर है
वो जीन एक्सप्रेस करेगी और डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाएगी, उस एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द मिल्क और उसके बाद है पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। डिजायर्ड प्रोडक्ट ठीक है, उसके बाद उसको पैकेज करो और फिर उसको जो है उसको ट्रांसपोर्ट करो एट डिजायर्ड राइट। सो दीज आर द 8 स्टेप्स इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले फर्स्ट पहले सुन लो फिर लिख लो। फर्स्ट है हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं आइसोलेशन कैसे करें। तो जो डीएनए है पहली बात तो डीएनए इज ए मैक्रोमोलिक्यूल एनक्लोज्ड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। दूसरी बात है बेटा डीएनए इज एसोसिएटेड, ये हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ लाइफ में किया था कि डीएनए ऐसा नहीं पड़ा हुआ है। डीएनए किसके साथ एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स एंड आरएनए टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। ठीक है जी, तो हिस्टोन प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स एंड आरएनए टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। देयरफॉर फर्स्ट क्या है कि सेल्स आर ट्रीटेड विद किससे, सेल वॉल डिजॉल्विंग एंजाइम्स कौन से एंजाइम्स है सच एज, अगर बैक्टीरियल सेल वॉल डिजॉल्व करनी है तो एंजाइम है लाइसोजाइम सच एज लाइसोजाइम आप लिख सकते हो बैक्टीरियल सेल उसके बाद है काइटिनेस फंगल सेल उसके बाद है सेल्युलेस अगर सेल्स है प्लांट्स। सबसे पहले तो सेल वॉल डिसॉल्व करें, सेकंड आ जाता है सेल्स ट्रीटेड विद लाइपेसेस मेनली टू डिसॉल्व मेम्ब्रेन्स देन
बारी बारी करके सेल्स ट्रीटेड विद प्रोटीएसेस एंड आरएनए ताकि जो क्रोमोसोम्स में डीएनए है वो अलग हो जाए आरएनए से और प्रोटीन से एंड उसके बाद है ट्रीटमेंट विद चिल्ड इथेनॉल इथेनॉल इज C2H5OH इन सब एंजाइम्स के ट्रीटमेंट के बाद ट्रीटमेंट विद चिल्ड इथेनॉल टू प्रेसिपिटेट डीएनए फ्रॉम सोल्यूशन ठीक है जी तो इससे जो है वो हम अलग कर लेंगे एंड दिस इज दिस प्रोसेस टू प्रेसिपिटेट डीएनए फ्रॉम सोल्यूशन एंड पिकिंग आउट दिस डीएनए कैन इज नोन एज स्पूलिंग पिकिंग आउट द प्रेसिपिटेटेड डीएनए इज कॉल्ड स्पूल दिस इज कॉल्ड स्पूल राइट तो पहले आप ये लिखो फिर हम आगे करते हैं अब सारा दिख रहा है आपको एवरीबडी ओके यस मैम ठीक है तो यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग आउट द प्रेसिपिटेटेड डीएनए फ्रॉम द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज स्पूलिंग आपको अब ये पता चल गया नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा सेकेंड स्टेप सो सेपरेटेड डीएनए इज मिक्स्ड विद स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंड इज incubated at specific temperature incubation होता है जहां पे temperature change नहीं होता एक specific machine होती है incubator उसका temperature set कर दो वही temperature रहता ठीक है तो बस incubate कर दिया उस temperature at specific temperature under ऑप्टिमल अदर कंडीशंस मीन्स पीएच कितना है ह्यूमिडिटी कितनी है ये सब भी चेक करना ठीक है तो स्पेसिफिक डीएनए इज का ठीक तो इसमें सबसे पहले ये है फिर कट डीएनए फ्रेगमेंट्स are amplified. Amplified means many copies of same DNA fragment by PCR. Polymerase chain reaction. C है मैंने आपको करवाया हुआ है इसे दोबारा से नहीं कराऊंगी Steps of
पीसीआर सबसे पहले डीनेचुरेशन, सेकंड है एनीलिंग एंड थर्ड है इलॉन्गेशन. डीनेचुरेशन 90 डिग्री सेंटीग्रेड या 92 डिग्री सेंटीग्रेड, एनीलिंग अप्रोक्सीमेटली 70 डिग्री सेंटीग्रेड, इलॉन्गेशन भी 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड. इस तरह से ठीक है. एंजाइम इज मेन एंजाइम है टैग पॉलीमरेज. और उसके बाद बी ऑप्शन है कटिंग ऑफ वेक्टर डीएनए बाय सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. ठीक है, जिसके साथ हमने लाइगेट करना है उसको भी सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटना. ठीक है जी, तो ये सेकेंड स्टेप का आ गया. फटाफट से ये ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट एक पॉइंट लिखिए. इन पीसीआर इन अबाउट 30 साइकल्स, इन पीसीआर इन अबाउट 30 साइकल्स 1 billion कॉपीज ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट आर फॉर्म. 1 billion कॉपीज ऑफ DNA fragment are formed. और यहां पे लिख लो रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन पीसीआर आर पेरेंट DNA fragment, जिसकी हमने कॉपीज बनानी है, पेरेंट DNA fragment. सेकेंड लिखिए कॉपीज ऑफ 2 RNA प्राइमर्स, कॉपीज ऑफ 2 RNA प्राइमर्स. थर्ड लिखिए मेनी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स एंड फोर्थ लिखिए डीएनए पॉलीमरेज टैग पॉलीमरेज. यहां लिखिए टैग पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज. इट इज द डीएनए पॉलीमरेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया थर्मस एक्वाटिकस. Okay, this is thermophilic bacteria. Thermophilic means live at high temperature, live in hot sulfur springs. Live in hot sulfur springs. Therefore, TAC polymerase is, हम कह सकते हैं, हाई टेम्परेचर स्टेबल एंजाइम. इट रिमेन्स स्टेबल एक्टिव एट हाई टेम्परेचर, मींस 90 डिग्री पे हम कर रहे हैं तो उस टेम्परेचर पे भी इट रिमेन्स एक्टिव, इट रिमेन्स स्टेबल. ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा सेपरेशन. ये भी मैंने आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बता दिया था, बट अगेन फटाफट से थर्ड आ जाता है सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मेनली कौन सी? एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बेस्ड ऑन साइज। अगेन ये एगर एगर की जेल प्लेट है दिस इज अटैच्ड टू कैथोड नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड दिस इज एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यहां पे कोरिंग ऑफ डीएनए सॉल्यूशन एंड दिस प्लेट इज प्लेस्ड इन द बफर सॉल्यूशन। Current is switched on and the DNA fragments they move down along the positive electrode because DNA fragments are negatively charged. Smaller fragments they move quickly. Then larger fragments. So now DNA fragments are separated based on the size by agarose gel electrophoresis. Jaldi se karte. Next hum aa jaate hain beta. 4 aa jata hai the isolated या हम कहेंगे the desired DNA fragment copies as well as cut vector DNA. Are put in the buffer solution along with DNA like this. Cut DNA fragments है और उसके बाद जो वेक्टर डीएनए है दोनों को हमने बफर में डाल दिया और साथ में हमने क्या डाल दिया डीएनए लाइगेस भी डाल दिया तो इससे क्या हुआ रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए और काइमेरिक डीएनए Is it right? ठीक है और उसके बाद हमने then इसी का ही selection of यह हम अभी बाद में करेंगे selection तो पहले आप ये कर लीजिए नेक्स्ट स्टेप है इंट्रोड्यूसिंग आर डीएनए इनटू
कॉम्पिटेंट होस्ट सेल्स. इसको डाल दिया, देन सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल्स फ्रॉम ट्रांसफॉर्म्ड एंड रिकॉम्बिनेंट. ये पूरा लिख लेना, रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल्स फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्म एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल्स. विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स. ठीक है जी. उसके बाद कल्चरिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ. पहले आप ये कीजिए पोस्ट, राइट. तो हम क्या करते हैं, अब हमने क्या करना है, ऑब्टेनिंग द सिक्स आ जाता है बेटा, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट. ठीक है, फ्रॉम हेट्रोलोगस होस्ट. हेट्रोलोगस होस्ट कौन सा है, दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड एंड रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल्स. दैट इज होस्ट. तो उन होस्ट सेल्स से फॉरेन जीन प्रोडक्ट हमने कैसे लेना. ठीक है, तो यहां पे मेन पॉइंट लिखिए जरा जल्दी से. इन मोस्ट, इन ऑलमोस्ट या इन मोस्ट ऑफ द रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज, इन मोस्ट ऑफ द रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज कॉमा द मेन एम इज टू प्रोड्यूस, मेन एम इज टू प्रोड्यूस द desired protein at a large scale. हमें जीन का प्रोडक्ट चाहिए और जीन क्या बना रही है, प्रोटीन बना रही है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर ऑब्टेनिंग द डिजायर्ड प्रोटीन, for obtaining the desired protein there should be expression of foreign gene in heterologous host. वो जीन्स एक्सप्रेस भी तो करनी चाहिए. विच रिक्वायर स्पेसिफिक कंडीशंस, विच रिक्वायर
साथ साथ लिख लो, विच रिक्वायर स्पेसिफिक कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, पीएच, ऑक्सीजन एटसेट्रा. Such as temperature, pH, oxygen, etc. Next line में लिखना therefore. मैम एक मिनट, ये लिखना है. लिख लो, लिख लो. Therefore, expression of foreign gene involves many technical details. तभी हम कहते हैं इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग. ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसी में. द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन शुड बी प्रोड्यूस्ड एट लार्ज स्केल. है ना, अगर वो इम्पोर्टेंट है तो वो जो है लार्ज स्केल पे होना चाहिए. ठीक है, तभी ये इकोनॉमिक जो है हमारे उसको सेव करेगा, इकोनॉमी को सेव करेगा. ठीक है जी, तो इसलिए देयरफॉर रिकॉम्बिनेंट और या हम कहेंगे ट्रांसफॉर्म सेल्स आर ग्रोन इन लार्ज कंटेनर्स कॉल्ड एज बायोरिएक्टर्स. इन लार्ज कंटेनर्स को क्या बोलते हैं? बायोरिएक्टर्स. इसमें क्या है? पीएच कंट्रोल सिस्टम है. टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है. सर्कुलेशन सिस्टम फॉर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स है. देन फोम कंट्रोल सिस्टम्स. तो इन रिएक्टर्स में दीज आर द सिस्टम्स. उसके बाद इन कॉन्टिन्यूअस, ध्यान से सुनो, कॉन्टिन्यूअस कल्चर बायोरिएक्टर्स देयर आर टू मेन, यू कैन से टू मेन ओपनिंग्स. फर्स्ट है इनलेट फॉर एडिंग फ्रेश मीडिया. आउटलेट फॉर रिमूविंग ओल्ड मीडिया इन स्मॉल अमाउंट.
थोड़े थोड़े अमाउंट में से जो है वो पुराना मीडियम निकालते रहते हैं और नया मीडियम डालते रहते हैं। इससे क्या होता है, दिस मेंटेन्स रिकॉम्बिनेंट सेल्स इन फिजियोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म। ठीक है, वो एक्टिव रहते हैं, उनमें टॉक्सिन्स इकट्ठे नहीं होते हैं, राइट। ठीक है जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं। तो ये याद रखना है कि ये बायो रिएक्टर्स में तकरीबन 100 to 1000 लीटर्स ऑफ कल्चर मीडियम इतने बड़े बड़े होते हैं, 100 liter के टैंक्स या 1000 liter के टैंक्स, मतलब इसके रेंज में जो है इतने बड़े वॉल्यूम्स, राइट। तो हमारे पास मोस्ट कॉमन बायोरिएक्टर्स आर स्टायरिंग टाइप बायोरिएक्टर्स। जिसमें रेगुलर एक स्टायरर अटैच होता है जो मीडियम को कॉन्टिन्यूसली घुमाता रहता है ताकि न्यूट्रिएंट्स की यूनिफॉर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम्स बनाएंगे, मैं बताऊंगी, और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेटा स्मॉल स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ मीडियम आर रिमूव्ड एंड द प्रोटीन्स और यू कैन से रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स आर आइसोलेटेड। नेक्स्ट आ जाता है बेटा डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। इसमें क्या है, रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स प्यूरिफिकेशन या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी है एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स और फिर तीसरा है पैकेजिंग स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। इसको फिर पैकेज करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इस सबको हम कह देते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, राइट। हमने यहाँ पे दो डायग्राम बताने की, स्टायरिंग टाइप बायोरिएक्टर्स कौन से होते हैं ये मैं तुम्हें बताती हूँ, जगह छोड़ देना और बाकी का जो है आप ये लिखो।